और ये बस मोटिवेशन नहीं है दोस्त, जो आज इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं, ये केवल मोटिवेशन ही है, जो कि 2 सेकेंड का मोटिवेशन ही है दोस्त। ये बात अगर आप सीख गए तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत पावरफुल करोगे मेरे भाई। हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक ब्रह्मचर्य का एक महान पावरफुल एटीट्यूड बताऊंगा दोस्तों। अगर आपने इस एटीट्यूड को अपनाना सीख लिया दोस्तों, इस बात को अगर आप सीख गए, देन आपका ब्रह्मचर्य नाश कभी नहीं हो सकता। एक महान तरीके से दिल से आप ब्रह्मचर्य कर पाएंगे दोस्त, और पावरफुल तरीके से आप महान ब्रह्मचर्य कर पाएंगे दोस्त, अगर आप ये चीज़ सीख जाएं जो कि आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना दोस्तों। और वो एटीट्यूड ये कहता है कि दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि जो हस्तक्रिया है वो नॉर्मल है, इसको आप इजीली कर सकते हैं जब आपका मन करे, और हफ्ते में जितना चाहें, दिन में जितना चाहें, और जितना आपकी बॉडी मांगे उतना आप कर सकते हैं दोस्त, और इससे आपकी बॉडी में कोई भी समस्या नहीं होगी और आप मज़े से अपनी लाइफ को इन्जॉय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, एक बंदा जो कि उसका नाम है तरुण गिल। सबसे पहले तो इस बंदे की वीडियो देखो आप। What is my morning routine? I have sex. Phir, I go back to sleep. Guess what? I have sex again. I rest some more. Then I pop my Viagra. Yeah, Suagra. Gym के बाद I have sex again. This is my life, man. I enjoy my life. ये बंदा इसमें बता रहा है अपना डेली रूटीन, वो भी मॉर्निंग का डेली रूटीन बता रहा है कि भैया मैं क्या करता हूँ। और ये बंदा बता रहा है कि दिन में लगभग 3 बार हर रोज़ फैक्स क्रिया करता है। और इस वीडियो के बाद ये बंदा बोलता है कि हमें फैक्स के बारे में बात करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, और फैक्स को इन्जॉय करना चाहिए, कैसे इन्जॉय करना चाहिए ये इंसान ऐसे बता रहा है। और इस बंदे को बहुत सारे बच्चे लोग फॉलो करते हैं दोस्त। बच्चे लोग मींस 25 से जो कि नीचे हैं, 25 साल से जो नीचे एज के बच्चे हैं, वो सारे बच्चे ही हैं एक्चुअली, जिनको दिल से एक्चुअली ब्रह्मचर्य करना चाहिए, और उन लोगों ने इस बंदे को फॉलो किया हुआ है, और वो इस बंदे की बातें सुनते हैं, और मे बी बहुत सारे लोग इस बंदे की बातें मानते होंगे। तो दोस्त, एक एटीट्यूड, सबसे पावरफुल एटीट्यूड आपको ये मानना है कि दोस्त, कि अगर आपको कोई भी बंदा, चाहे बड़े से बड़ा ज्ञानी पंडित क्यों ना हो, बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना हो, एक बार संदीप माहेश्वरी जी ने भी कहा था कि जो हस्तक्रिया है वो नॉर्मल है, और इसी तरह से बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि फैक्स क्रिया इज नॉर्मल, हस्तक्रिया इज नॉर्मल। तो अपने दिमाग में घुसा लेना इस बात को कि गलती से भी इस चीज़ के बारे में हमें मनन नहीं करना है, इस बारे में सोचना तक नहीं है कि भैया ये फैक्स क्रिया जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है दोस्त, ये केवल हवस का काम है। और बच्चे लोग जो इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनको तो गलती से भी नहीं देखना चाहिए दोस्तों, उनको अपनी लाइफ में एक्चुअली ये काम करना चाहिए कि भैया मुझे लाइफ में पावरफुल बनना है, अपने नॉलेज को गेन करते रहना, चाहे कुछ भी, मतलब अपनी पढ़ाई, स्कूल टाइम चल रहा है तो पढ़ाई करनी है पावरफुल तरीके से, अगर आपको बॉडी बनानी है तो अच्छी बॉडी पे ध्यान देना है, लेकिन इस और गलती से भी ध्यान नहीं देना है। मेरा मोटिव, मेन मोटिव बस यही है इस वीडियो को बनाने का, कि गलती से भी इनकी बातों में नहीं आना है दोस्तों आपको। अगर आप इनकी बातों में आ गए, देन आप पिघल जाएंगे दोस्त, आपका मन भी आपको ये बातें बोल सकता है कि दोस्त ये तो नॉर्मल है यार, इसको तो कर लेना चाहिए भैया, हस्तक्रिया नॉर्मल है, बट नॉर्मल नहीं है मेरे भाई, और आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं आपके अपने मन की शक्ति से, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं आप, ये आप में शक्ति है दोस्त, इजीली कर सकते हैं आप, और आप महान तरीके से ब्रह्मचर्य कर सकते हैं आप। अपने भगवान में ध्यान दें दोस्तों, ना कि इस और गलती से भी, इस एज में आपकी जो एज है दोस्तों, अपने आप को पावरफुल बनाने की एज है, ना कि इन छोटी छोटी चीज़ों में, इन वासना वाली चीज़ों में फंसने की दोस्त, इनमें फंसो मत। जब आपका दिमाग, अगर आपका मन भी ऐसी बातें बोलकर आपको पिघलाने की कोशिश करे, तो उसको बोल दोस्त नहीं, ब्रह्मचर्य ज़्यादा पावरफुल है, ना कि ये हस्तक्रिया दोस्त, ब्रह्मचर्य नॉर्मल है, ना कि ये हस्तक्रिया। हस्तक्रिया से क्या होता है, आपका दिमाग ख़राब होता है, आपकी बॉडी ख़राब होती है दोस्तों, और आप कमज़ोर फील करते हैं, चाहे आपको प्लेजर होता है दोस्तों, 2 मिनट का, 2 सेकेंड का प्लेजर, वो कुछ भी नहीं होता है, उसको मत लो, गलती से भी नहीं लेना है,
आपको क्या सोचना है दोस्त, ब्रह्मचर्य इज लाइफ, ब्रह्मचर्य मेरी लाइफ है। इसको अपने दिमाग में बसा लो कि ब्रह्मचर्य इज पावरफुल, ना कि ये हस्तक्रिया। दोस्तों ये बड़े से बड़े लोग जो कि आपको सिखाते हैं दोस्तों, इनके चक्कर में नहीं फंसना है। ये इस चीज़ को अपने दिमाग में, ये एटीट्यूड अगर आपने सीख लिया कि दोस्त ये है ब्रह्मचर्य का एटीट्यूड, गलती से भी पिघलना नहीं है। चाहे आपका मन बोल रहा है, चाहे बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है कि भैया नॉर्मल है, तो नहीं मानना है, मत मानना, बस ख़त्म बात। अगर आपने ये सीख लिया दोस्त, और बहुत सारे लोग आप में से जब हस्तक्रिया करने का होता है मन, तो यही बहाने होते हैं दोस्त, और इन बहानों के चक्कर में नहीं फंसना है। अगर इन बहानों के चक्कर में फंस गए, इन लोगों के चक्कर में फंस गए, इन बातों के चक्कर में फंस गए, तो आप अपना वीर्य का नाश कर देंगे दोस्त, और करने के बाद क्या होगा, बस रिग्रेट। और रिग्रेट फील करने से क्या होता है, आप डिप्रेशन में जाते हैं, आप सैड फील करते हैं दोस्तों। इसलिए ब्रह्मचारी हमेशा खुश क्यों रहता है, जो ब्रह्मचारी होता है वो हमेशा खुश इसलिए रहता है दोस्त, क्योंकि वो हमेशा परमात्मा के बारे में सोचता है, ना कि इन तुच्छ मनुष्यों के बारे में। ये था असली मोटिव दोस्तों। इसलिए ब्रह्मचर्य दिल से करो, और ऐसे करो कि ऐसा एटीट्यूड लाओ अपने आप में कि दोस्त महान ब्रह्मचारी बन जाओ। और ये बस मोटिवेशन नहीं है दोस्त, जो आज इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं, ये केवल मोटिवेशन ही है, जो कि 2 सेकेंड का मोटिवेशन ही है दोस्त। ये बात अगर आप सीख गए, तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत पावरफुल करोगे मेरे भाई। आई होप डेफिनेटली आपको इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला दोस्त, देन इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। हरे कृष्ण।